फ्रेंड, कैसे आप सब? गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई थिंक सब आप लोग अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। इधर तो काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा हवा पानी, रात भर कल मेरी तरफ बारिश हुआ। तो आज मैं अपना ब्लॉग इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड। तो आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, सब मस्त होंगे। ठंड में तो सब अपनी अपने कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड का सब मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जा रही हूँ अभी चाय बनाने के लिए। सब लोग के लिए चाय बनाने जा तो रही हूँ, लेकिन मैं इनको बोली चाय पत्ती लेते आने के लिए। तो फ्रेंड, ये इलायची फ्लेवर के देख सकते हैं आप, ये चाय पत्ती लेकर आए हैं। और मेरे घर में इलायची, अदरक ये सब डाला हुआ कोई चाय नहीं पीता है, चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी का मौसम हो। क्योंकि पापा को पेट में प्रॉब्लम है, इसके कारण तो वो पीते नहीं हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, अब इसका उसको फाड़ूँ चाय बनाऊँ, या फिर पापा से पूछ लूँ कि कल वो दूसरी चाय पत्ती लेकर आएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड में अपने आगे पूरा आगे के ब्लॉक में, देखते रहिए आप लोग। जो है वो दुहा कर आ चुके हैं और मेरी मम्मी जो है वो चाय बनाने के लिए बोल चुकी हैं और मैं चाय बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ। साथ में मैं मम्मी से पूछी भी कि मम्मी मैं क्या बनाऊँ, तो मम्मी बोली खाने में जो मन है बना लो। वैसे पापा बोले मीठी वाली, मैं टमाटर की मीठी वाली चटनी बनाने जा रही हूँ और दाल भरा हुआ पूड़ी और साथ में प्याज का रायता। ये आज मेरे डिनर में, रात के डिनर में आज ये लोग का न्यू आइटम होगा, प्याज का रायता फ्रेंड। तो फिलहाल देखिए मैं भी चाय सबके लिए चढ़ा चुकी हूँ। चटनी जो है फ्रेंड वो मैं काट करके छौंक दी थी थोड़ी देर पहले, मम्मी जब बाल्टी लेकर दूध का जा रही थी तभी। मैं टमाटर की चटनी देखिए ये होने वाली भी है, मैंने इसमें काजू वाजू भी डाली हूँ, देख सकते, दिख रहा होगा आप लोग को। और यहाँ पे बन रही है पापा और मेरी इनकी चाय और यहाँ पे मम्मी की चाय। मैं दो चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई होंगी कि गाय जो है ना वो बचा दिया है, तो इसलिए पूजा दूध का होता है, इसलिए मम्मी अभी वो दूध नहीं पी, इसलिए मम्मी की चाय अलग से, उनकी दूध आते हैं इसलिए उसमें उनकी मम्मी की चाय बना रही हूँ और इसमें हम लोग अपनी चाय बना रहे हैं। तो ये भी हमारी शाम की चाय जो है वो रेडी हो चुकी है। आ जाइए आप लोग भी शाम की चाय पीने। और साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर की चटनी जो है रात का डिनर के लिए वो भी रेडी कर ली है। और यहाँ पे मैं वो दाल भरा पूड़ी बनाना, तो उसके लिए मैं दाल उबलने के लिए भी चढ़ा दूँ। तो ये देखिए मेरा जो है ये दाल भरा वो पूड़ी के लिए मैंने ये स्टफ़ी तैयार कर ली है, ये दाल की है। और यहाँ पर मैंने साथ में आज एक बताई थी ना मैं नई डिश बनाना, वो रहा प्याज का रायता और ये रहा मीठी वाली टमाटर की चटनी। तो और यहाँ पर मैं अभी कुछ बर्तन धो करके यहाँ पर भी सूखने के लिए रख दी, पानी गर जाएगा तो फिर मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी। और ये सब छौका वौका लगाने में फ्रेंड इतने सारे घर में गैस भर गए थे, तो मैं दोनों साइड की विंडो जो है वो खोल दी हूँ कि छौका का झांस जो है वो निकल जाएगा। तो आप सब लोग आने वाले हैं खाने के लिए, तो मैं जब तक चून मार लेती हूँ फ्रेंड, और मतलब आटा गूँथ लेती हूँ। बहुत लोग चून मारना बोलते हैं, आटा गाना बोलते हैं, जब तक मैं आटा सान लेती हूँ। अब सब आने ही वाले लोग खाने के लिए लोग द्वार पर गए हैं, गाय के बच्चे के लोग के पास। तो ये देखिए मैं ना नीचे बैठ करके ना ऊपर छोड़ करके मैं नीचे बैठ कर पूरी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना खड़े खड़े ना पूरी बनाने में ना कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं खड़े होकर नहीं अभी मैं बैठ करके पूरी बनाऊँगी। तब से तबीयत खराब हो गया ना, तब से तो खड़ा होकर कोई तो इम्पॉसिबल होता है पूरी बनाना, इसीलिए मैं बैठ करके ही पूरी बना रही। रोटी तो ऊपर खड़े खड़े चार आदमी का बन जाता है, लेकिन पूरी जो है ना वो नहीं बन पाता है। तो आइए मैं पूरी बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखिए फिर मैं रात का डिनर जो है फाइनली वो रेडी हो चुका है, दाल भरवा पूरी, प्याज का रायता, टमाटर की चटनी और विद काला जामुन मिठाई जो है, काला में गुलाब जामुन जो है। तो आ जाइए फ्रेंड, रात का डिनर रेडी है आप लोग भी डिनर करने के लिए। ये देखिए मैं रात का किचन जो है सारा खाना बनने के बाद नीट एंड क्लीन हो गया है, वो सस्पेन में अभी दूध रखा है पापा के लिए और इनके लिए दूध बनाना है। ये देखिए फ्रेंड मैं रात का फाइनली जो किचन जो है वो साफ़ हो गया, सबका नाश्ता पानी भी हो गया, खाना रात का डिनर भी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ छत पे, तो सबको अच्छी तरह से लॉक कर देती हूँ और मैं अपना पानी ले लेती हूँ छत पे के लिए। एक नीचे का जो ये एक लाइट है ना उसको जले रहने देती हूँ, क्योंकि सारा चारों तरफ फिर अंधेरा हो जाएगा ना, नीचे का सब लॉक कर लेती हूँ अपना। अब मैं फाइनली चली अपनी छत पे, अब आ गई मैं छत पे। देखो छत पे देखिए यहीं पे ये दूध पापा का और अपना भी रख दिए हैं इनको ना। ये रहा मेरा इस साइड का हॉल, ये रहा मेरा रूम, ये देखिए
नीचे रहेंगे तो चेयर पे बैठे बैठे फोन चलाएंगे, और रूम में आएंगे तो बेड पे इनका तो फोन ही, बस प्राण जान प्राण सब इनका फोन ही है। तो फाइनली आज रात का मेरा डिनर भी हो गया, आज इवनिंग से मेरा सारा काम हो गया, मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाई भी। तो ओके फ्रेंड, गुड नाइट, सत श्री अकाल, मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपने कल के ब्लॉग में। ओके फ्रेंड, बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई थिंक सब आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह के बजे 6 और मैं जा रही हूँ प्लस दूध का चाय बनाने, और साथ में नाश्ते के लिए ऑर्डर भी आ गया, गोभी आलू की सब्जी और दूध का रायता। तो चाय बना करके मिलती हूँ फ्रेंड मैं आप लोग को। दूध आया है उसका, मैं जा रही चाय बनाने। अभी सुबह सुबह मम्मी जो है वो सरपंचमी की तैयारी में अपनी साड़ी सेलेक्ट कर रही है, कौन सा कौन दिन पहनने के लिए। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चुपके चुपके से। भाई देखो, मम्मी दम अपने साड़ी पे एकदम लगी हुई है सेलेक्ट करने में। सरपंचमी आया है नू, मेला घूमने जाएंगे। एक येलो साड़ी यहाँ पे रखी है, चादर साड़ी यहाँ पे, अभी मम्मी का मेला पसर रखा है। साड़ी कहाँ ना मम्मी? हाँ, चाय जो हो गई है सुबह की, आ जाए आप लोग भी चाय पीने के लिए गर्मा गर्म। हाँ, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। मेरा चपाती मतलब रोटी, यहाँ मिर्ची फ्राई किया, आलू गोभी की सब्जी और साथ में कद्दू का रायता। तो आ जाइए फ्रेंड आप लोग भी सुबह का नाश्ता करने के लिए। तो ये देखिए मेरे घर सबका नाश्ता हो गया, नाश्ते का बर्तन रखा हुआ, फिलहाल मैं किचन सब समेट ली हूँ। और अभी टाइमिंग बज रहे हैं, तो अभी 9 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये सब रैक वैक जो है सब समेट लेती हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि ठंड के मौसम में जो काम इतना होता है सरियाने में, मतलब ये देखिए सुबह सुबह इनका फ़ोन जो है ना वो चालू हो गया है। हेलो लाली, ये देखिए फ्रेंड, मैं नाश्ता तो सुबह सुबह करा करके ना फ्री हो जाती हूँ। अब मैं ये रूम क्लीन की, अब मुझे ये रूम देखना सरियाना है। बोलते इतना सुबह उठ जाती हूँ फिर भी तुम्हारा काम नहीं खत्म होता है, पहले मैं किचन समेटी, अब मुझे ये रूम समेटी, पहले सब बेड वेड सही की सही उठ गए, अब मैं ये वाला रूम में आई हूँ। देखिए यहाँ पे आलू मैं कल रात ही को धो कर रख दी थी सारा मट्टी निकलने के लिए, अब मैं ये रैक पे सरिया रही हूँ। कितने सारे काम हो जाते हैं फिर भी सब बोलते क्या करी हो। यहाँ पर मैं गाना लगा देती हूँ अपना और काम करते रहती हूँ। चावल जो है ना मैं थोड़े से इसमें इसको मैं इस गैलन में रखूँगी, और इसमें चूड़ा रखूँगी, चूड़ा दीदी के यहाँ से आया है ना, तो इसीलिए। ये देखिए फ्रेंड, मैं आप लोग को एक बताऊं, अगर किसी का इतना छोटा अगर मुंह हो ना, उसमें चावल रखना हो, तो इसमें ना ये टिप लगा दो, जो तेल वाला टिप आता है उसमें, और उसमें ना ये हल्का सा ऐसे चावल डाल दो ऐसे, और ऐसे हिला दो, आसानी से चला जाएगा, चावल छीटेगा भी नहीं और ये भट भी जाएगा डब्बा में। सोचिए ये आइडिया मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, कैसा लगा है मेरा ये आइडिया। लेट हो जाना तो इसको क्या करना है, जैसे दुकान में हम लोग को ठोंगा देता है ना, उस तरीके का ठोंगा बना करके इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लीजिए और इसमें डाल दीजिए, तो ये और ईजी तरीके से चला जाएगा। दो आइडिया दी मैं आप लोग को, अपना आइडिया ये ना यूज़ करके बताइएगा कितना मस्त आइडिया है ये। ये वाला रूम भी थोड़ा है साफ कर ली, क्योंकि अब थोड़ा ठंड जो है ना वो कम हो रहा है, तो अब धीरे धीरे साफ साफ तो करना पड़ेगा ना। ये आलू के बास्केट उधर था, मैं इसको उठा के इधर रखी, पैरट का ये वो साफ की। देखिए रिपू कटोरे 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 रिपू, मैं ऐसे बोलता तो है लेकिन जब इसे बोलो ना तब नहीं बोलेगा। और ये रूम का आलू धोया हुआ, ये कचरा भी यहाँ पे मैं उधर नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि मैं उधर तो झाड़ू लगा चुकी हूँ सारा, फिर उधर भी किनी किनी हो जाएगा सारा घर मेरा। और ये रहा यहाँ पे इनका मैकेनिक जो है ना वो चालू है, देखिए रूम हीटर बनाने में लगे हुए हैं ये। अभी 10 बज गए, मेरा अभी काम नहीं ख़त्म हुआ है, बस मैं इन लोगों को नाश्ता करा चुकी हूँ। तो इन लोगों का नाश्ता मैं सबसे पहले खाना बना करके नाश्ता इन लोगों को रेडी कर दी, तो उसके बाद मैं सारे काम में समेटने बैठने में लगती हूँ। क्यों? क्योंकि मम्मी को आदत है मॉर्निंग में खाने का, और पापा आते हैं 10-11 बजे, तो तब तक मैं सोचती हूँ कि मेरा घर का सारा काम भी नहीं पड़ जाता है। तो अब फिलहाल तो मेरा सारा काम हो गया है, तो अब मैं नहा करके और पूजा कर करके मैं आप लोग को अपने थोड़ी देर में मिलती हूँ ब्लॉक में। तो फ्रेंड मेरा अभी बज रहे 11, पापा भी आ चुके हैं और मेरा नहाना धोना जो है वो रेडी भी हो गया, मैंने पूजा भी कर ली हूँ, तो मैं आप लोगों को खिड़की से दिखाती हूँ। पापा आ चुके हैं, पूजा भी है जो कर ली हूँ, फाइनली पूजा भी मेरा हो गया है। और यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा द्वार के पे, देखिए पापा वहाँ बैठ के, पापा भी आ चुके हैं बाइक पे, अपना बाइक पूछ रहे, मम्मी है वहाँ पे। तो आइए फ्रेंड नाश्ता, अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, और अपने लिए पापा के लिए, पापा भी आ चुके हैं तो अब वो खा कर जाएंगे, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने। ओके फ्रेंड, पापा भी खाना खा चुके हैं, मैं उनके कपड़े भी धुल दी हूँ और बज गए हैं अब 12:30। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, और
चावल भी चढ़ा दी हूँ। जब तक चावल बनते हैं तब तक मैं कपड़ा डाल के आ जाऊँगी। ओके फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मैं अपने ऐसे डेली ब्लॉग में अपना अपना मैं रूटीन दिखाते रहूँगी। तो ओके फ्रेंड, बाय, हैव अ गुड डे। आप लोग का मैं ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।